नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2 जुलाई 2022 बार शनिवार के पंचांग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने हमारा खुश जीवन राशि फल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोज आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान यानी आराध्य भगवान का नाम अवश्य लिखें। आइए पंचांग शुरू करने से पहले जानते हैं किन देवी देवताओं की पूजा विशेष शुभ और लाभप्रद रहने वाली है। आज भगवान शिव की पूजा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप विशेष शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं पंचांग की। बार शनिवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944। माह की बात करें आषाढ़ माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि तृतीया तिथि जो कि शाम को 3:17 तक रहने वाली है। बात करें हम नक्षत्र की, आश्लेषा नक्षत्र, योग हर्षण योग सुबह 11:32 तक रहेगा, उसके बाद वज्र योग प्रारंभ होगा। करण की बात करें गर करण जो कि शाम 3:17 तक रहेगा, उसके बाद वणिज करण प्रारंभ होगा। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण इन पांचों से मिलकर पंचांग का निर्माण होता है। आइए शुरुआत करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 5:31, सूर्यास्त शाम 7:18, सूर्यदेव मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं। चंद्रोदय की बात करें सुबह 7:51, चंद्रास्त जो कि रात को 9:58। चंद्र राशि की हम बात करें तो चंद्रदेव कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 3:55 से सुबह 4:43 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। अपने इष्ट देव की आराधना, उनका मंत्र जप, मंत्र सिद्धि, स्वयं सिद्धि ब्रह्म मुहूर्त में की जा सकती है। बात करें अभिजीत की तो सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:52 तक अभिजीत रहने वाला है। यानी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत अगर आप करना चाह रहे हैं और आपको शुभ लग्नानुसार शुभ चौघड़िया नहीं मिल रहे हैं और आपका चंद्रबल भी सही है तो आप अपने उस कार्य को अभिजीत मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं दिन के चौघड़िया की। शुरुआत करते हैं सूर्योदय से लेकर काल का चौघड़िया, सुबह 5:31 से सुबह 7:15 अशुभ चौघड़िया है। काल के बाद शुभ, 7:15 से लेकर 8:58 शुभ समय है। शुभ के बाद रोग, 8:58 से लेकर 10:41 अशुभ चौघड़िया है। रोग के बाद उद्वेग, 10:41 से लेकर और दोपहर 12:25 तक रहने वाला है। उद्वेग के चौघड़िया की बात करें अशुभ चौघड़िया है। उद्वेग के बाद चर, 12:32 से लेकर दोपहर 2:08 सामान्य समय है। चर के बाद लाभ, 2:08 से लेकर 3:51 शुभ समय है। लाभ के बाद अमृत, 3:51 से लेकर शाम 5:35 अमृत का चौघड़िया शुभ है। अमृत के बाद हम बात करते हैं काल, शाम 5:35 से लेकर और 7:18 तक काल का चौघड़िया रहेगा, यह भी अशुभ माना गया है। काल के बाद हम बात करें कि कौन कौन से चौघड़िया शुभ रहेंगे तो शुभ, लाभ और अमृत ये तीनों चौघड़िया अत्यंत शुभ माने गए हैं। रोग के चौघड़िये को काल के चौघड़िये को अशुभ चौघड़िया माना गया। चर का चौघड़िया सामान्य समय। बात करते हैं अशुभ समय राहुकाल और गुलिककाल की। ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों समय को अशुभ समय माना गया। राहुकाल की बात करें सुबह 8:30 से सुबह 10 बजे तक राहुकाल रहने वाला है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, कोई महत्वपूर्ण यात्रा भी राहुकाल में शुरू ना करें। गुलिककाल की बात करें सुबह 5:30 से लेकर सुबह 7 बजे तक गुलिककाल रहने वाला है। आइए बात करते हैं दिशाशूल यानी किस दिशा में आज यात्रा नहीं करनी चाहिए। आज के दिन का दिशाशूल है पूर्व दिशा। फिर भी जातक अगर पूर्व दिशा में यात्रा कर रहा है तो यात्रा करने से पहले उड़द से बने पदार्थ का सेवन अवश्य करें ताकि दिशाशूल का परिहार हो सके। बात करते हैं चंद्रपाल यानी कौन कौन सी राशियां शुभ रहने वाली हैं तो आज की शुभ राशि हैं वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। आइए बात करते हैं आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि, नामक्षर और जन्म पाई की। तो आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनके अगर हम जन्म राशि की बात करें तो कर्क राशि रहेगी, नामक्षर रहेंगे डी, डू, डे और डू। जन्म पाई की बात करें इनका सभी का रजत का जन्म पाया रहने वाला है। धन्यवाद।